दोस्तों, अपनी इस थैंक यू राइड में मैं अब तक लगभग 1500 किलोमीटर सोलो राइड करके पहुंच चुका था एमपी में सिचुएटेड एक जगह महाकालेश्वर में। और आज मैं दर्शन करने वाला था भगवान शंकर के स्वरूप उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के। तो ऑब्वियसली काफी खुश और एक्साइटेड था मैं, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम थी ऑब्वियसली आप लोगों के लिए। एक्चुअली हर बड़ी रिलीजियस प्लेस की तरह यहाँ भी मेन टेम्पल में शूट अलाउड नहीं था, तो ये काम मुझे अकेले ही करना था। बाइक लगा दी हमने पार्किंग में और अब चल रहे हैं मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। थोड़ा फटाफट चलते हैं क्योंकि भीड़ ना बढ़ रही है तेजी से। अभी भी झुबाई से बात हुई थी, वो कह रहे थे अब जल्दी चले जाओ क्योंकि 8 बजे के बाद भीड़ थोड़ी सी एकदम से शार्प इंक्लाइन होता है भीड़ में। ये मंदिर का रास्ता किधर से है? तो भाई दर्शन तो हो गए महादेव के यार, क्या प्योर एनर्जी है भाई जगह की, मज़ा आ गया। आज लकीली बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, आप लोगों को दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए क्योंकि अभी अपने को आज ही ओंकारेश्वर महाराज के यहाँ भी जाना है और फिर वहाँ के दर्शन करके वापस भी आना है। तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे सिंस वो यहाँ से 160 किलोमीटर के आसपास है, यानी 350 किलोमीटर के आसपास अपनी बाइक आज भी चलेगी। चलो जो है सो है, बाबा के नाम पर अब इतना तो बनता है। चलो यार चलते हैं यहाँ से, होटल पर मिलते हैं। Guess I gotta hit him with an update. Okay. I've been getting to it when I'm up late. Hit a nigga when you want the front gate. They act like they know. तो भाई रूम में आ गया मैं अपने। अब यहाँ से फटाफट कुछ सारे सामान को पैक करके निकलना है अपने आगे के सफर के लिए। आज भाई बहुत लंबा जाना है, पहले देखते हैं यहाँ से ओंकारेश्वर जाएंगे। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि ओंकारेश्वर में मैं सारा सामान रखूँगा कहाँ पे। मुझे लग रहा है वहाँ पे भी एक मेरे को रूम लेना ही पड़ेगा और ज़्यादा टाइम लगेगा तो आज ओंकारेश्वर पे ही रुक जाएंगे, वापस आने का कोई ज़्यादा सीन नहीं बनाएंगे। चलो यार टाइम वेस्ट नहीं करते, अब इसको सारे सामान को रैप अप करते हैं और निकलते हैं इधर से। लेट्स गो भाई, कुछ छूटा तो नहीं, मीडियम मोड का अडैप्टर ही नहीं मिल रहा था, सारा सामान दोबारा खोलना पड़ा। लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। लेट्स गो। चलो यार बाय बाय करते हैं महाकालेश्वर महाकाल बाबा को। मैं बाबा से कामना करता हूँ कि हमारी पूरी फैमिली, 1 लाख लोग अब उससे ज्यादा लोग इसमें जुड़ गए, पूरी फैमिली एकदम खुश रहे। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें। मैंने तो कुछ बाबा से ज्यादा कुछ मांगा नहीं, बस ये बोला है कि अब अगली बार आएंगे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे, अगर उससे पहले बाबा का मन किया तो बुला लेंगे वरना तब आएंगे। बहुत ही पवित्र स्थान है यार ये महादेव का। अब यहाँ से चलते हैं एक और पवित्र स्थान की तरफ। वैसे टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 यहाँ मध्य प्रदेश में हैं। नहीं ऑब्वियसली नॉट, सारे 12 मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 3 या 4 हम कवर करेंगे इस पूरे टूर में। चलो यार नमन करता हूँ मैं महादेव को और निकलता हूँ महाकालेश्वर धाम से। हर हर महादेव। Guess I gotta hit him with the update. Okay. I've been getting to it when I'm up late. Yes, sir. Hit a nigga when you at the front gate. Act like that. इस ट्रिप पे ना मेरी डाइट की बैंड बज गई है। मेरे पिछले 1-2 साल में शायद यही पहली राइड ऐसी हुई है कि जिसमें मैं अभी तक कुछ कुक कर ही नहीं पाया, इतना हेक्टिक चल रहा है सब। इंदौर रोड पे हम चढ़ गए, यहाँ से 150 किलोमीटर के आसपास है ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। टाइम हो गया है 11। आज मोस्ट प्रोबेबली ओंकारेश्वर महाकाल के यहीं पे ही हम आज का डेरा डालेंगे चल के दर्शन करने के बाद। और फिर 2 दिन अगले तब 1000 किलोमीटर चलेगा डेली 500 किलोमीटर के हिसाब से। ओंकारेश्वर 122 आइए पहुंचे हम। ओंकारेश्वर अमरूद कैसे दिए हैं? 50 के आधा किलो बड़े वाले, छोटे वाले 40 के आधा किलो। तो भाई जैसा कि मैं भी बात कर रहे थे कि यार बहुत दिन से बस बाहर का ही खाया जा रहा हूँ मैं, तो मैंने भाई डिसाइड किया है कि आज मैं शाम तक सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगा वरना मेरे डाइट की बैंड बच जाएगी। जो जिम में इतनी कसरत की जाती है ना सबका नाश हो जाएगा। दीदी जो है अमरूद काट रही है, फटाफट अमरूद खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यही अपना ब्रेकफास्ट है आज का। Please tell me what's to them boys, I know they ain't talking about me. Hola. All up in a nigga DMs for the feature, I know they ain't talking about free. Shorty, no lie, no leap, I ain't gon' lose no sleep. You don't hop in this Jeep, what you gon' sow, you gon' reap. Bet I'm gon' kill what I eat by the end of this beat. Put a little honey in my teeth, put a little pep in your step. I bet on my soul, we feast. Kya hua? Petrol bole hi ho. Petrol? Chalo, pair laga dun. Thank you.
चढ़ गए मुंबई वाले, ये सीधा रूट मुंबई जा रहा है। जो रूरल रास्ता था वो अभी फिलहाल खत्म हो गया है। बहुत अच्छा और सुंदर रास्ता था, एकदम गांव टाइप का वाइब्स, एकदम जबरदस्त थी भाई रास्ते की। बट यहाँ से अब 86 किलोमीटर के आसपास ओमकारेश्वर महादेव का मंदिर रह गया है, तो आप आगे चलते हैं और इसको भी खत्म करते हैं डिस्टेंस को, जो भी उसमें हो वो सेफ रहे। तो यार भूख तो बहुत तेज लग रही है, बट मैंने आज डिसाइड किया कि मैं कुछ खाने नहीं वाला आज शाम तक, सिर्फ और सिर्फ अपन लोग फल खाएंगे। अभी रास्ते में कहीं रुक के हल्की फुल्की चाय वाय लेंगे, चाय कॉफी सस्ते नशे करेंगे। होप एज यूजुअल अपनी फुल सपोर्ट में खड़ी हुई है भाई, कभी धोखा नहीं देती। और इसकी एक चीज़ और है, जब धोखा देती है ना तो हेल्प बहुत पास होती है, या फिर लोकली देती है, या ट्रिप ख़त्म होने के जस्ट बाद देती है। चलो यार चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। ओमकारेश्वर 55 किलोमीटर यानी 55 किलोमीटर के आसपास है, बट रास्ता थोड़ा सा सिंगल लेन टाइप ही है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं मेंटेन हो पा रही, तो अभी करीब करीब 1 से 1.5 घंटा और लग सकता है। चलो कुछ चाय नाश्ता टाइप करते हैं लाइट सा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो इधर से लगाते हैं, यहाँ पे देखेगी बाइक अपनी सामने। यहाँ से सीधा चलते हैं ओमकारेश्वर, 50 किलोमीटर के आसपास रहता है, उसको भी ख़त्म करते हैं जल्दी से। चलो सस्ते नशे हो गए, अब चलते हैं आगे के लिए। भाई ये लोग अपने कुछ सब्सक्राइबर मिले हमारे मध्य प्रदेश में, भाई सेल्फी लेने के लिए बोल रहे थे, मैंने कहा ले लो भाई, हम कौन से कहीं के कोई स्टार हैं, एक क्यों दो लो। ओमकारेश्वर यहाँ से रहता है 50 किलोमीटर के आसपास, बट मैं ये देख रहा हूँ कि ओमकारेश्वर में ये पहाड़ियाँ कहाँ से हो गई स्टार्ट, ये तो अनएक्सपेक्टेड हो गया। हाँ भाई पहाड़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, देखो यार पहाड़ जो है ना वो मुझे छोड़ते नहीं है, मैं कहीं भी जाऊँ पीछा करते हैं मेरा। मैंने सुना है कि मध्य प्रदेश में हिल स्टेशन है ओमकारेश्वर। यस 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 यस, भाई पंक्चर हो गया टायर में। अच्छी चीज ये है कि बिल्कुल पास में यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, वहां पे चेक करा लेते हैं और हवा भरवा लेते हैं। बाइक में हो गया यार पंचर अपनी, अभी महाकाल मंदिर जो है वो 40 किलोमीटर के आसपास ही बचा है वैसे तो, बट क्या सही टाइम पे पंचर हुआ यार। आज सुबह ही इनफैक्ट मैं बोल रहा था कि अपनी होप जो है ना वो धोखा नहीं देती, और जब भी इसने धोखा दिया है ना तो बहुत ज़्यादा पास में होती है हेल्प। यहाँ पर पंचर हुआ और भाई जस्ट सामने पंचर वाले की दुकान है, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, इनसे पंचर बनवाते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कितना टाइम लगेगा भैया? हाँ भाई ये मिला, ये है पंक्चर, एक तो मिल गया। तो भाई भैया ने ना एकदम अपना मजबूत काम कर दिया है, ये लोहा है बहुत गर्म है, ये मजबूत पंक्चर होता है। चलो अब इसको फटाफट से बनवाते हैं फिर आगे चलते हैं। ओके भैया चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मिल के अच्छा लगा आपसे। सोहेल नाम है ना आपका? चलो सोहेल अंसारी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई हो गया सॉर्ट आउट मैटर, छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती, सोहेल भाई ने मदद कर दी, उस चीज़ के लिए भोलेनाथ इन पर कृपा बरसाएं। पूरा 1 घंटा बर्बाद हो गया, लेकिन 1 घंटे से भी ज़्यादा, 2 बजे करीब हम यहाँ थे और अब 3:30 बजने वाले हैं, तो 1.5 घंटा गया। भाई शायद मिलना चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है? समीर। क्या करते हो? काम धंधा सब बढ़िया चल रहा है? चलो ध्यान रखना, ओमकारेश्वर पास में ही है। हाँ चलो ध्यान रखना भाई। समीर भाई ने पहचान लिया, बोले भैया 1 मिनट रुक जाओ, मिल गया। अच्छा लगता है यार मुझे भी, अब नया नया हो रहा है यार, अब धीरे धीरे लोग पहचानने लगे हैं, हम सब लोगों ने इतनी मेहनत करी है यहाँ पहुँचने के लिए, तो हम तो खुश हो रहे हैं। 1 लाख हो गए, 1 लाख हो गए, बट रियलिटी इज़ कि अभी हमें बहुत मेहनत और ज़्यादा करनी है और आगे बढ़ना है, 1 लाख से तो बहुत ज़्यादा जाना है। समीर भाई भी उनमें से ही है 1 लाख में से, प्यार देते हैं लोग यार बहुत ज़्यादा। अभी होटल पे कुछ लोग मिल गए, वो सारे तो नहीं थे बट उनमें से 2 लोग थे जो सब्सक्राइबर्स थे अपने,
थैंक यू यार, दिल से शुक्रिया आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए, दिल से शुक्रिया। Please tell me what's to them boys, I know they ain't talking about me. All up in the nigga DMs for the feature, I know they ain't talking about free. लगा तो नहीं, मार के भाग के गया। बिल्कुल इधर कट मारा एकदम से। चला कौन रहे थे वो? सही है गिर गए। अरे मैं उधर से देख रहा था, मेरे सामने बिल्कुल एकदम ऐसे काट दी उसने गाड़ी। तो अच्छे भाई ने संभाल ली बाइक, बहुत हिसाब से लगे थे ना, मैं खुद डर गया था। मैंने कहा अब लगेगा, वो तो बच गए, बहुत बड़ी बात रही। अंधे होके चलाते हैं गाड़ी, भले तो आप थोड़ा यहाँ चल के बैठ लीजिए ना इनके यहाँ पे। भाई यहाँ के कोई रहने वाले हैं क्या इस घर के? इन्हें बिठा लो थोड़ी देर अपने घर पे ले जाके। थोड़ी डर गई हैं, वैसे सेफ है। बहुत भयंकर था भाई सीन, बहुत भयंकर, सच में बहुत खतरनाक सीन था। उनका सर्वर कुछ ज़मीन में नहीं लगा, ये बहुत बड़ी गनीमत है। यहाँ से कहीं लेफ्ट मारना है अब हमें। पानी पियेंगे यार, बहुत गर्मी लग रही है, भयंकर, बहुत भयंकर गर्मी लग रही है। भैया मंदिर के लिए किधर से जाएंगे? मंदिर पहले मेरे को होटल लेना है। ओंकारेश्वर मंदिर से करीब 1 किलोमीटर पहले मैंने एक रूम लिया है और अब यहाँ पे मैं अपना सारा सामान रख के बस निकल रहा हूँ मंदिर के दर्शन करने। रात को 9 बजे तक खुलता है मंदिर, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी एकदम फ्रेश व्रेश हो गए सब और चलते हैं मंदिर की तरफ। चलो फिर नीचे मिलते हैं, बाइक उठाते हैं, मंदिर की तरफ चलते हैं। दर्शन तो हो गए महाकाल के, और भाई क्या सुकून से दर्शन हुए, मतलब इससे अच्छे दर्शन पॉसिबल ही नहीं है भाई। छोटी सी लाइन, ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज के दिन के। हमारे 2 महाकाल के दर्शन थे, दोनों कंप्लीट हो गए आज। तो भाई शायद इस चैनल पे पहली बार अपनी बाइक भी पंक्चर हो गई। कल सुबह करेंगे स्टार्ट इस जर्नी को आगे की तरफ। कल का दिन भाई बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और अमेजिंग होने वाला है। मैं तो कोशिश करूँगा भाई कि कल पुश करें अपने आप को और एक लंबी राइड मारें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा दिन। महाकाल के आशीर्वाद से, महाकाल की नगरी से साइन ऑफ करता हूँ मैं आज। कंक्लूड करते हैं इस दिन को, जैसे शौर्य चौहान, हर हर महादेव, महादेव ब्लेस यू ऑल।